गाइस देखो कितना प्यारा पपी है, कितना प्यारा। देखो रियलमी के सर्विस सेंटर में कितना भीड़ लगा हुआ है, और आज फ्यूज़ का काम होगा या नहीं। इस करके जो हम केक बनाए थे इसके लिए, वैसे केक तो नहीं था, वो हलवा ही था, फिनिश करके मेरे संग खेलने लगा, जबकि सोने का टाइम है, 12 बज रहा है। ए चलो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई नो समझते होंगे। तो गाइस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम उठे हैं, और उठे हैं तो हम अपना वीडियो जस्ट अभी एडिट करके अपलोड किए, ठीक है। अभी क्योंकि हम रात को अपलोड इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि रात को समझ रहे रूम खाली नहीं रहता वाला, जिसमें अंकल अंटी रहते हैं। मेरा रूम में जो है, हाँ अपने रूम में जो मेरा रूम में पीसी है उसमें नहीं, तो हम मोबाइल से उतना अच्छे से एडिट नहीं होता, तो फिलहाल इसमें थोड़ा प्रॉब्लम। और एक और चीज़ मेरा बहुत मतलब इधर उधर हो चुका है, वो है टाइमिंग। हम टाइमिंग बहुत मतलब इधर उधर कर चुके हैं, हमेशा मैं 9 बजे वीडियो आता है और कभी 9 आ रहा है, कभी 10 बजे आ रहा है, कभी 11 बजे आ रहा है, वो सब कुछ प्रॉब्लम। थोड़ा आप मेरे को माफ़ कर देना उस चीज़ के लिए, ठीक है। कल या परसों से रेगुलर टाइमिंग पे वीडियो आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं जस्ट उठे हैं, ब्रेकफास्ट देखते हैं, ब्रेकफास्ट में क्या करना है क्या नहीं, और आज का सीन क्या है वो तो पीस आएगा तो बताएगा, बोला है कि आ रहे हैं, ठीक है, वो आएगा तो बताएगा आज का सीन क्या है। और मस्त अपना दिलाड़े, ये देखो मस्त सोया हुआ है, दिलाड़े का कल बर्थडे भी है, बेचारा उदास सोया हुआ है, इस समय खेलने वाला कोई नहीं है। क्या बेटा, अच्छा कोई ना कोई ना, हम है ना खेलने के लिए तुम्हारे पास। अब अच्छा सो तो सो सो आराम सो आराम सो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुमको, सो। तो गाइज हम निकल रहे हैं अपना वो जो वॉच था रियलमी का, वो सर्विस सेंटर ले जाने में, क्योंकि आज ऑन ए टाइम पीयूष भी आया है, ऑन ए टाइम हम भी निकल रहे हैं। तो अभी 9 बज रहे हैं, सॉरी 9 बज रहा है, 12 बज रहा है, फ्लो फ्लो में क्या क्या बोल दे रहे हैं। तो पीयूष हो रहा है, दिख रहा है वहाँ पर खड़ा है, तो फिलहाल निकलते हैं लोग, और आज देखते हैं क्या बोलता है घड़ी। एक का तो डब्बा है नहीं हम लोग के पास, एक का डब्बा है, देखते क्या सोल्यूशन निकलता है, एक डब्बा नहीं है उसका। तो गाइस ये देखो रियलमी के सर्विस सेंटर में कितना भीड़ लगा हुआ है, और आज पीयूष का काम होगा या नहीं होगा वो तो भगवान ही जाने। वो अभी वहाँ पे खड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा सामने, और ये रहा पटना 1&1 मॉल। देख रहे हो, और ये रहा पटना 1&1 मॉल में सर्विस सेंटर रियलमी का खड़ा है अभी। इतना भीड़ में हमको लगता नहीं काम हो पाएगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। गाइस देखो कितना प्यारा पपी है, कितना प्यारा लग रहा है। आई थिंक हमको लग रहा है कि आज नहीं तो कल ही पैदा लिया सब, है ना बाबू। कल के है तो ये सब अच्छा से बता रहा है हमको, कब का है, कल का है, कल ही पैदा लिया है। लोग अपडेटेड है, बच्चा लोग अपडेटेड है। तो फिलहाल सर्विस सेंटर में हम लोग का कोई काम नहीं हुआ, बोला कि 4 बजे आइए, 4 बजे आपका काम हो जाएगा। तो सोचे कि इतना वेट कहाँ करेंगे, 2 बज रहा है, गांधी मैदान आ गए, गांधी मैदान आया तो ये मिल दिखने को मिला हम लोग को। ऐसे कैसे मर देते, हम जिंदगी निकल जाता है, इसकी माँ है ना, इसकी माँ बचा लेगी, बहुत प्यारा है। तो गाइस ये रही इन पपीज़ की माँ, ये जो पपीज़ अभी जस्ट आई है, इन पपीज़ की माँ है, अभी इन लोगों को जस्ट दूध पिला रही थी तो हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, इसी बाजू में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी क्यूट क्यूट सा है लोग, मतलब फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं आ रहा, लग रहा ब्लर टाइप का आ रहा है, अब ठीक हो गया, अब ब्लर नहीं हो रहा। तो जस्ट इन लोगों से हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तब तक कुशल आ रहा है, और कुशल आ रहा है तो फिर देखेंगे आगे का प्लान क्या करते हैं क्या नहीं। 4 बजे तो सर्विस सेंटर जाना है, तो सोचे कि यहीं वेट कर लेते इधर ही हम लोग, तो अभी टाइम है समझ लो, हम इन्हें 1 घंटा और है, 3 बज चुका है, 1 घंटा और है। देखो इन लोगों की माँ के साथ, इन लोगों की माँ है, और ये पपीज है, इनका नाम पता नहीं क्या कर रखा है लोग, हम लोग कहते हैं चिंकू मिंकू टिंकू पिंकू, ये वो दोनों का चिंकू मिंकू दोनों साथ रहता है, ये टिंकू पिंकू ये दोनों साथ रहता है। ये इसकी माँ, माँ का नाम शारदा, ठीक है, नामकरण हो गया। चलो वो देखो पीयूष वहाँ बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है, बैठ के साथ कुछ रील्स वील्स देख रहा है।
तो गाइज फिलहाल हम घर आ चुके हैं और पीयूष और कुशल अपना वहाँ पे सर्विस सेंटर पे गया है लोग, ठीक है। हम घर आ गए क्योंकि हमको थोड़ा सा नींद आ रहा था, समझ लो तो, और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था, सोचे कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कल भी जिम नहीं गए थे और आज तो जिम जाना ही जाना है, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद में शाम को मस्त जिम जाएंगे, तब तक लोग उन लोग का काम भी हो जाएगा, वो आ भी जाएगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं घर पर, रेस्ट करते हैं। चलिए तो गाइस दिलावर को भी हम जस्ट बिस्किट और दही मिला के दिए हैं, तो वो खा रहा है मस्त अपना, ठीक है। और अभी 12 बज गया, इसका बर्थडे है, तो केक तो इसको खिला नहीं सकते ना, केक डॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए इसके लिए हम बनाए थे थोड़ा सा बस। और कल दिन में मस्त अपना हम लोग इसका बर्थडे मनाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यही दिए हैं, अभी जस्ट जमाए ही थे, जस्ट नहीं जमा था उतना अच्छा से, दही और बिस्किट है ये, जिसको हम मिक्सी में डाल के मस्त पीस के बनाया इसके लिए, ताकि खा सकें, है ना दिलावर। हैप्पी बर्थडे दिलावर, अब इन खाने में भेजिए, किसी को भाव नहीं देगा, हमको पता है, खाओ आराम से, टेस्टी है ना दिलावर, देखिए कितना बड़ा हो गया, एक साल हो गया दिलावर का, एक साल पूरा हो गया, गधा हुआ खाना कितना बिजी है, ओए ये गधा दिलावर चटबे करेगा नहीं छोड़ेगा। तो गाइस अभी जस्ट अपना मस्त अपना फिनिश करके, जो हम केक बनाए थे इसके लिए, वैसे केक तो नहीं था वो हलवा ही था, फिनिश करके मेरे संग खेलने लगा, जबकि सोने का टाइम है, 12 बज रहा है, ए चलो सोते हैं, कल केक भी काटना है, कल तुम्हारा बर्थडे मनाना है, पार्टी करना है, चलो ना सोएंगे तब ना कल सुबह उठेंगे जल्दी से, समझता नहीं, देख रहे क्या कर रहा है, नहीं समझता बच्चा, ए बच्चा ए बच्चा, चलो चलो सोते हैं, देख रहे कैसे बैठ गया आराम से, मैं बैठ के मैंने हाथ चबा रहा है, कर मेरा गिफ्ट दो, अरे तुम्हारा गिफ्ट कल मिलेगा बच्चा, चलो ना पहले सोओगे तब ना कल उठोगे तो बर्थडे मनाया जाएगा, चलो सोते चलो चलो, देखो 32 ही देखो, ये देखो 32 गुस्सा रहा करा, मेरा बर्थडे के दिन मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।